सुल्तान मलिक शाह, डैनियल स्टैनले, हंसराज जैन, प्रवीण रंधावा, एक आदमी अलग अलग नाम, दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, मुंबई सीरियल ब्लास्ट, मालेगांव साइकिल बॉम्ब ब्लास्ट, बैंगलोर साइंस कॉन्फ्रेंस अटैक, इतने गुनाह किए हैं कि गिनवाना मुश्किल है। ही इज द मोस्ट वांटेड इंटरपोल अक्यूज्ड एंड अ हाईली डेंजरस पर्सन। मैंने दो बार इसे अरेस्ट करने की कोशिश की थी, निकल गया। बेहद चालाक और बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है। हमारी तरफ से की गई एक छोटी सी गलती से बहुत से लोगों की जान जा सकती है। हमें जो ऊपर से इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक वो अपनी बेटी की शादी के लिए कल मुंबई आ रहा है। ये उसके होने वाले जमाई का घर है। यहाँ तक पहुँचने के चार रास्ते हैं। कुमार और दिवाकर मेरे साथ टैक्सी में होंगे, राणे और शिंदे यहाँ होंगे, यस सर, कॉपी दैट, और पारिक ठीक यहाँ पर। ऑल राइट सर, ओवर। इस एरिया में हमारे सारे आदमी हाई अलर्ट पर होंगे। सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर हमारे शार्प शूटर्स होंगे। अपने जमाई के घर पहुंचने के लिए मलिक को इस सर्कल पर आना ही होगा, तो वो अपनी कार यहाँ पार करेगा, हम यहाँ करेंगे। स्टे अलर्ट, एक बार हमें उसकी लोकेशन का पता चल जाए, देन वी विल एक्ट। चार कारें आ रही हैं। ये अबुल है, मलिक का राइट हैंड। अब मलिक कभी भी यहां आ सकता है। This must be his car. This is Malik. Stop firing. Malik, come out. अब surrender कर दो. It's all over now. बहुत time से नहीं मिला. क्या हाल है अनवर? Stop. मेरा हाल छोड़ तू. अपना हाल देख. Surrender कर दो. Hands up. नमस्कार, आज कुलाबा में हुए शूटआउट में एक खतरनाक टेररिस्ट मारा गया। काफी वक्त से मोस्ट वांटेड टेररिस्ट रहे सुल्तान मलिक शाह को आज एसीपी अनवर और उनकी टीम ने मुंबई के एक पॉश लोकेलिटी में मार गिराया।
दुनिया के ना जाने कितने पंटर लोग, आज मैंने एक लड़की देखी। क्या लड़की दिया? अबे लड़की छोड़ और ये न्यूज देख, मलिक ने साले ने हमारे साथ लोगों को मार डाला। शूट आउट की ब्रेकिंग न्यूज चल रही है और इसको लड़की ही पड़ी है। अरे यार शी इज गॉर्जियस, मुंबई में आज तक ऐसा माल मतलब ऐसी लड़की नहीं देखी है। अपनी जान की बाजी लगाते हुए उसे और उसके, मैंने इस आदमी को देखा क्या? यही है ना जिसको पुलिस ने उड़ा, मेरी आंखों के सामने शूट आउट हुआ, इसको देखा था। हाँ यार पहले तू बोला लड़की को देखा, अभी बोलता इसको देखा, क्या टोपी पहना रहा है यार? आई विल एक्सप्लेन, ए तू पहले टीवी बंद कर। गीता की कसम है सच बोल रहा, मैंने कभी झूठ बोला है क्या? तो बोलना। बोल बोल। पैसे निकालने एटीएम गया था, बारिश हो रही थी, बिजली कट गई। अबे तेरी चीप स्टोरी के चक्कर में चिप्स गिर गए। हे बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला तो देखना। हेलो कितना टाइम यार, पता नहीं पैसे निकाल रहा था या छापने बैठ गया था। पैसे निकालने हैं? वो बारिश हो रही है ना इसलिए आपका छाता मेरे हाथ में दे दीजिए। इतना क्या सोच रही हैं? छाता ही तो मांगा है। यहाँ क्या कर रही हो? Are you all right? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, ATM आई थी बस। आप ठीक है ना, कहीं चोट तो नहीं आई? I guess I'm all right. ये कौन है? Oops. मैं नहीं जानती अंकल, बस अभी अभी मिली हूँ। Hi, I'm चंद्रू। श्रीला। चले श्री। Okay. कुमार। सर। इन्हें घर ड्रॉप कर देना। Okay सर। ये अपना मुंगेरी लाल है, रात को हसीन सपना देखा होगा अभी पका रहा है। सुनो हम भी तो ATM जाते हैं, हमें तो कोई सुंदर लड़की नहीं मिलती, तेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्या कर इधर बैग, इधर बैग, प्लीज यार आजा आजा आजा, काट दूंगा इसकी मदद से, उसे मिल सकता हूँ मैं, चाहिए प्लीज यार। तू क्या बॉलीवुड का हीरो है जो गुंडों के बीच में से अपनी लैला को स्लो मोशन में उड़ा के बचा लेगा? हमें खुद को शक्तिमान समझता है रजनीकांत। और बताने को है ही क्या यार, फ्लर्ट किया जा रहा था बस। अच्छा सच सच बता, हैंडसम था ना? नहीं यार टिपिकल रोड साइड रोमियो। ए घर पे बीवी को बोलकर नहीं आया क्या? चुप कर, किसको सिखा रही है? होशियारी नहीं, मैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ। पहले खुद तो गाड़ी चलाना सीख ले। हाँ ये सब इशारे घर जाके करना। बड़ा आया सिखाने। अरे इस लफंगी को छोड़, उस हैंडसम के बारे में बताना यार, तू भी ना। सच में काट दिया, सच कह रही है। आ गई श्री, मैंने जो कहा था वो लाई हो? हाँ लाई हूँ ना पापा। अंकल आप इसे पहनकर देखिए, बहुत ही कंफर्टेबल है। ऐसा क्या, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अनवर ने मुझे बताया कि तुम उस शूट आउट में बाल बाल बच गए। पापा मुझे कुछ भी नहीं हुआ, चिल। अंकल आप तो सुपरस्टार बन गए, देखिए हर न्यूज चैनल पर छाए हुए हैं। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था। हाँ हाँ मैं लगा रहा हूँ ऐसे। एक ब्लैक कॉफी हो जाए। ओके पापा।
मेरे लिए एक चाय बनाना बेटा। ईशा, शक्कर कहाँ रखी है? गलत इंसान से पूछ रही हूँ बेटा। इसने कभी किचन का मुंह तक नहीं देखा है। मैं आकर तुम्हारी मदद करता हूँ। श्रीला, एक्स्ट्रा शुगर फॉर मी प्लीज। कम से कम एक कप चाय तो बनाना सीख ले। अगले महीने तेरी शादी है। बेचारे इमरान पे तरस आ रहा है। वैसे एक बात बताऊँ, सुबह वो लड़का कौन था? आपसे बात करना चाह रहा था। वो चप्पड़ गंजू। आज पहली बार ही उसे देखा। एटीएम सेंटर में मिला था। उसी ने मुझे शूट आउट में बचाया। आप ऐसा वैसा कुछ मत सोचिए। नहीं, मैं कह रही थी कि तुम्हें और ट्राई करना चाहिए। पर वो कलर बहुत अच्छी लग रही थी उसमें। तंगड़ी कमाल। पता है मतलब क्या? कभी करके तो देखो तुम। अच्छा, तुम कल बॉयफ्रेंड के ये सब मोह माया, बच के रहना। मुंबई की लड़कियां, बाप रे बाप। ऐसा क्या? उस वाली को देख। ये सब लॉन्ग शॉट में अच्छी दिखती है। मेकअप थोपती है, बड़ी बड़ी बातें करती है। लड़की तो मैंने देखी थी, क्या लड़की थी यार। सच कह रहे? देख वहाँ पर क्या आइटम है। सोच की ये नाइट ड्रेस में कैसे लगेगी। क्या? क्योंकि 90% लड़कियां घर जाके अपना मेकअप निकालने के बाद नाइट ड्रेस में ही सोती हैं। सब आर्टिफिशियल ब्यूटी है, एकदम थकी हुई। बाप रे, दिमाग का फ्यूज उड़ गया। लड़की चाहे कोई भी हो, माय श्रीला इज द बेस्ट। अरे बाप रे, फिर से शुरू हो गया। इसका तो काटा तो वही अटका हुआ है। ये तो वही लड़की है। एटीएम वाला हीरो कहाँ है? चल यहाँ से निकलते हैं। अरे चल रहा है वो आंसर। अरे श्रीला, तू उधर मत देख। सही में हैंडसम है यार, वो तुझसे बात करना चाहता है। हेलो भाभी, रुको भाभी जी। तुम पुष्पी यार, रुको इधर देख, तेरे पीछे पड़ जाएगा समझ ले। अगले महीने तेरी शादी है, भूल गई क्या? तभी तो कह रही हो ना श्री, शादी से पहले थोड़ा सा फ्लर्ट कर लूं। जैसे तू ड्राइविंग टेस्ट लेती है, मैं उसका टेस्ट ले लेती हूँ। पागल हो गई तू। गौर कलियुग, शिव 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 शिव। चंद्रू, वो सो रहा है माँ जी? ये अब तक सो रहा है, कुंभकर्ण का दूसरा अवतार। चंद्रू उठ जा बेटा, 9 बज चुके हैं। 3 दिन से तू नहाया तक नहीं, 2 दिन से अच्छे से ब्रश नहीं किया। चल अब उठ, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे लेट हो रहा है। चंद्रू आया नानी। चंद्रू, उस लड़की का नाम क्या है? श्रीला। तू जिस तरह मुस्कुरा रहा था ना, मैं समझ गई थी। देखते हैं ये वाली कब तक टिकती है। हेलो, एक्सक्यूज मी, कोई है? हाँ, कमिंग मैम। मैं 5 मिनट में कस्टमर को हैंडल करके आता हूँ। कैमरा को हाथ मत लगाना, समझ गया ना? He's so handsome यार। You? Handsome तो है ही, क्यों? मैं इसकी बात थोड़ी कर रही थी, पूरा बंदर लग रहा है ये तो। पक्का मवाली है। अंकल को बोलूंगी ना तो जेल में बंद करके धुलाई करवाएंगे इसकी। नमस्ते। नमस्ते जी, कहिए। जी हम अभी अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। केबल कनेक्शन चाहिए था। कनेक्शन चाहिए? सही जगह आई है, पहले आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ। ठीक है। घर का एड्रेस मिल जाता तो खुद ही जाके कनेक्शन गाड़ देता। वैसे केबल पे आप देखती क्या? अरे ये गधा कहाँ से आ गया। मैडम ये टेक्निकल फॉल्ट है। मैडम आप कहीं जाइएगा मत, मैं अभी केबल ठीक करके आया। ये उल्लू के पट्टे मेरा धंधा बंद करवाएगा साले। लाइव है तू, लाइव। पता नहीं किन किन लोगों ने देख लिया होगा तुझे। साले सबको सॉरी बोल। हाय हाय श्रीला। श्रीला, पता नहीं तुम ये प्रोग्राम देख रही हो या नहीं, लेकिन तुम्हें मैं तो याद हूँ ना चंद्रू। हम एटीएम पे मिले थे, हैंडसम बॉय। हैंडसम लंगूर कहीं का। तुम्हारा कार्ड वहाँ रह गया था तो मैंने रख लिया। कार्ड? ये केबल टीवी वाला मेरा दोस्त है। मैं क्या बोलने वाला था, हाँ मुझे तुम्हारा ये कार्ड वापस करना है, पर कैसे करूँ? मैं अपना फोन नंबर देता हूँ, तुम फोन करो और कार्ड ले लो। फोन नंबर जल्दी, फोन कहाँ है? ये पकड़।
नोट कर लो हाँ नंबर 9 9 8 1 9 6 0 0 6 0 5 ओके ओके तू मेरे बड़े से पेट पे लात मारेगा सॉरी यार गलती से हो गया साले दोस्ती में क्या क्या कर पाएगा तो ऐसे जैसे ये बीबीसी है फोन अबे मेरा फोन है ओ हेलो हाय स्वीटहार्ट इट्स मी श्रीला श्रीला ओ इतनी जल्दी श्रीला उस क्विक क्या कर रहे हैं तुम्हें मैसेज किया लोगे ये क्या उससे क्यों बात कर रही थे मैं कैसे फोन करूं बना मुझे शट अप सॉरी शट अप अरे अरे तुम्हें नहीं कहा अपनी फ्रेंड को बोल रही थी ओके शैल वी मीट ओके कल सुबह 10 बजे कोस्टा कॉफी पर कोस्टा कॉफी कौन सा वाला वर्सोवा ओके ओके श्योर ओके सी यू ये तेरी डेट यार पागल हो गई थी क्या क्या कर रही थी देखा मैंने कनेक्शन करवाई दिया ना थैंक यू यार मजा आ गया Hi. You look stunning. पटाने के लिए इससे अच्छी लाइन नहीं मिली? Yes. No. This is for you. क्या लोगी तुम? Cappuccino, frappuccino, coffee, tea, biscuits, unlimited milk. सिर्फ coffee. Okay. Okay. One cappuccino, one espresso. तुम्हें हीरो बनने का शौक चढ़ा है क्या नहीं मैं तो कल टीवी पर क्या कर रहे थे तुम्हें लगता है इस तरह मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी नो तो क्या लव एट फर्स्ट साइट पहली नजर में कोई प्यार व्यार नहीं होता समझे मजनू की औलाद 5 मिनट जिस लड़की के साथ बिताए उसके लिए जनाब फूल लेकर आ गई इन पैसों को कहीं अच्छी जगह यूज करो दुआएं मिलेंगी That's deep. रोंगटे खड़े हो गए Anyway, तुम इसके लिए आई थी ना ये लो थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है मैं थैंक्स हेलो कॉफी तो पी लो हेलो भैया आरटीओ ऑफिस चलेंगे नहीं भैया आप में से कोई आरटीओ ऑफिस चलेगा मैं तो नहीं जाऊंगा मैं भी नहीं जाऊंगा ऑटो आरटीओ ऑफिस नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा हेलो 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 मैडम मेरे अलावा और कोई नहीं लेकर जाएगा हाँ सेफ्टी के लिए बीच में बैग रख दो कम ऑन आरटीओ ऑफिस के नाम पर टैक्सी वाले जाएंगे नहीं बस में जा सकती हो पर बस से तुम जाओगी नहीं आ रही है भाई आ रही है हे तू कहां से टपक पड़ा अबे आरटीओ वाले लाइसेंस ले लेंगे तेरा पकड़ा जाएगा लाइन कटिंग आरटीओ ऑफिस चलिए श्रीला ये तो गलत है ना ओके बाइक पर मत बैठो कम से कम विजिटिंग कार्ड तो दे दो मैंने तुम्हारा एटीएम कार्ड दिया ना थैंक यू चलिए भैया मैं फोन करूंगा क्या नाम से स्टोर करूं बेबी स्वीटी नहीं जानू क्या बेकार नाम श्रीला हाँ श्री एस आर आई हे ये अरे लड़की का नंबर हाथ आने में इतना मुश्किल हो रहा है लड़की कब हाथ आएगी पर मैं भी कम नहीं हूँ पीछा नहीं छोड़ूंगा नहीं, 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 पांच लॉट हेलो अंकल सर रुको यस मार्केट बढ़ने वाला है ए ए अरे टैक्सी रुको ऑटो ए कौन हो तुम दोस्त उस टैक्सी को फॉलो करो अरे लेकिन क्यों करना है प्यार का मामला है ओ लड़की का मामला है ओए चुपचाप फॉलो करना सर हाँ उतर रहा हूँ बस 5 मिनट सर सर आपका पैर पैर चाहिए
A young 24-year-old guy is begging. It is disgusting. Sir, India can never improve. Sir, ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पर. Okay. Auto. रुको रुको. हाँ, मैं बस पहुँच गया. आ रहा हूँ, आ रहा हूँ. Yeah, I'll be there in 5 minutes. Sir. Nice to meet you. Wait for me. Sir, आपका पैर क्या कर रहे हो? What? अरे क्या कर रहे हो यार तुम? हाँ? The same guy, you know. कभी नहीं सुधरेंगे. अरे ए रोमियो, ऑटो को बाहर करा, बाप दे रहा क्या? अरे ओ बाजी, ओ हेलो, अरे सरदार जी, अबे साले मरवाएगा क्या? सामने देख हेलमेट, बाजी, ओए, अरे रुको, ओ यार, क्या चाहिए? ये विजिटिंग कार्ड. अच्छा, कार्ड चाहिए? ये ले, उड़ जा. चल जा, तू भी उड़ जा. हाय, ले ले ले, कैसा बेबी? ए बदमाश, बच्चे को क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से, चल. हाँ, कहाँ से आ जाते हैं? पकड़ रहा था, कार्ड वाली आ गई. हे इधर बैठ, मैं भाई के जॉब के बारे में पूछ के आता हूँ. गुड मॉर्निंग दादा. गुड मॉर्निंग सर. अंदर है क्या? हरी सर आते ही होंगे, तुम बैठो. हाँ, सारे पेपर साथ लाए हो ना? वीजा अगले मंडे को आ जाएगा. टोटल खर्चा 1,00,000 रुपए का होगा. हाँ तो शिवा सर, तुम्हारे भाई की जॉब लंदन में सेट हो गई है. जी सर. अगले महीने उसको जाना होगा. ओके बैठो. ओके. उस पोस्ट की बहुत डिमांड थी पर मैंने चक्कर चलाया. थैंक यू. थोड़ी देर बैठो जी. लंदन से कंफर्मेशन लेटर आता ही होगा, लेकर जाना. जी, जी. ओके सर. ओह, तुम्हारा दोस्त चंद्रू भी साथ आया है क्या? श्रीला की कार. हे हे, रोज के पिता का. कौन है तू? हे हे, ये क्या कर रहा है? स्वीटहार्ट, हाय. ओह हेलो बुढ़ाओ स्टूडेंट, कान की मशीन ऑन कर दे और गियर जल्दी डाल, पीछे हॉर्न बज रहे हैं. अरे रे रे रे, ऊपर जाने की उम्र में ड्राइविंग सीख रहा है. तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? अरे स्टूडेंट की हेल्प कर रहा हूं यार. बहुत हो गया, तुम्हें पता भी है कि ये कौन है? लुक बिफोर आई फॉरगेट, आई लव यू यार. हे क्या यार, इतने प्यार से लाया था तुमने इंसल्ट कर दिया. फोन भी नहीं उठा दियो यार, आजकल एसएमएस का जवाब भी नहीं देती हो. हे ये क्या, बुढ़ाओ लाइन मार रहा है? आस्था चैनल, तुमसे कहा ना मैंने, आगे देखो और ड्राइविंग करो, तुम्हारी टीचर को मत घूरो. उसके लिए मैं बैठा हूँ ना यहाँ पीछे. क्यों टीचर? हे इसका स्पीकर बंद कर देता हूँ. चंद्रू क्या कर रहे हो? हे कूल चिल, इतनी खूबसूरत टीचर मुझे मिल जाए तो मैं सुबह से शाम तक लाइन मारता रहूं. हे श्रीला, ओ पीछे आ रही हो? आओ, गेट आउट, जस्ट गेट आउट. अरे क्या, निकलो, अरे जाओ यहां से. व्हाट, गेट लॉस्ट, गो. क्या हुआ? अरे अच्छा ये तो पकड़ लूं. अरे हां आलोकनाथ, ज्यादा नैन मटक का मत करना, टीचर पर लाइन मारी ना तो टीचर का बॉयफ्रेंड बहुत मारेगा. ड्राइविंग सीखोगे तो फोन करना. ओके चाचा चौधरी, सुनो तो. सॉरी पापा. Who's that idiot? मैंने बताया था ना शूटआउट पे एक लड़का मिला था, ये वही था. ओह, ये वही लड़का है? तुम्हें बहुत परेशान करता है क्या? नहीं पापा, बस वही टपोरी गिरी और फ्लर्टिंग. लगता है तुम्हारे पीछे पागल है. किसी नमूने से कम नहीं है वो. He looks like one.
मैड बॉय। डैम, इट्स बैड। इट्स रियली बैड। तुमने तो मेरी जान निकाल दी। श्रीला, इस कार को किसी म्यूजियम में डोनेट करने का टाइम आ गया। बेचारी, पता नहीं कितने सालों से तुम्हारा बोझ सह रही है। इतने में तुम अब तक चांद पर पहुंच चुकी होती। क्या मतलब? मतलब नहीं समझी? अर्थ और मून के बीच का फासला 232,813 मील है, और इतना तो ये अब तक चल चुकी है, तो हम फिलहाल चांद पर हैं। तुमसे मैंने राय मांगी थी क्या? पता है ये वही कार है जिसमें कमल हसन ने ड्राइविंग सीखी थी। अपना रास्ता नापो। हे, सुनो, तुम तो बुरा बन गई। कमल हसन तो सुपरस्टार बन गया, पर तुम्हारी गाड़ी खटारा रह गई। मैं एक मैकेनिक को कॉल करके कार टो करवा लेता हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, ये इलाका बहुत सुनसान है। हेलो, मैं मुंबई में पली बढ़ी हूँ, यहाँ के हर चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। यहाँ एक मैकेनिक हुआ करता था, वो तो मैं खुद देख लूंगी। थैंक्स, बाय। हे, मेरी बाइक यही है, ड्रॉप कर देता हूँ मेरी बाइक। भीख नहीं मांगेगी, पकड़ में खाएगी, मजे मारने आई है। बेटा तुम ठीक हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? बच्चे को कोई रोड पर फेंकता है क्या? इतनी प्यारी लगती है तो लेके जाओ अपने साथ। जरा सी भी अकल नहीं है, शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? एक छोटी सी बच्ची को रोड पर धक्का दे दिया, गाड़ी के नीचे आ जाती तो? चलो सब लोग चलो मेरे साथ। ए, अपने काम से काम रख। तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी कि तुम जबरदस्ती बच्चों से भीख मंगवाते हो। दिमाग खराब हो गया इसका। जाओ मैडम, चिन्ना सेठ से पंगा मत लो, चिन्ना सेठ के लफड़े में कभी नहीं पड़ने का। चलो हट रे, देखता हूँ कौन रोकता है। चलो रे। ये अर्जुन पंटर लोगों लेके आ रहे। चंद्रू, कैसे बेटा? अंकल, आप जल्दी से आ जाइए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है। तुम इस समय कहाँ से कॉल कर रही हो? ज़्यादा नहीं लगा। तुम्हारे पास कोई रुमाल है क्या? No, I'm fine. अरे no, it's not fine, यार। अंकल? इधर आओ। ये Are you okay? मैं ठीक हूँ अंकल। ये क्या है? नहीं नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? चंद्रू, my friend, shootout के दिन जिसने मुझे हाय हाय हाय। हेलो, I'm अनवर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। श्रीला, जब भी मुसीबत में होती है तुम कैसे पहुंच जाते हो वहां? लगता है पीछा करते रहते हो। सर नो। तुम्हारा पूरा नाम? सर चंद्रशेखर मोहनलाल सोहनलाल ठाकुर। पुलिस को गलत नाम बताते हो? मैं चंद्रू लिख रहा हूँ, मेरी बेटी की शादी है। हम आज इनविटेशन कार्ड बांटने निकले थे, तभी मुझे श्रीला का फोन आया। तो जमाई राजा, शादी में आ जाना, तुम्हारा इंतजार रहेगा। चलता हूँ मैं। जमाई, जमाई। गुड मॉर्निंग अंकल।
भाई यहाँ तो देसी के साथ विदेशी भी है। घर जाने का टाइम मिलेगा। ठीक है मुझे, अरे हाथ छोड़ना। अरे टर्की बुड्ढे, तू यहाँ कैसे? वैसे एक बात बता, तूने टीचर पे लाइन तो नहीं मारा ना? अबे एक पैर कबर में है, फिर भी नैन मटका करता है। हाय, एक मिनट के लिए तुम्हारी सुंदर टीचर को ले जाऊं? श्री बेबी, कम। चंद्रू, ये मेरे पापा हैं। हाय, हाँ? पापा, चंद्रू। पापा, हाय पापा, बाय पापा। पुलिस वाले की बीवी। हेलो आंटी, बाय आंटी। निकल ले चंद्रू वरना अरेस्ट हो जाएगा। ऑटो। व्हाट इज योर नंबर? आई वांट टू गिव यू कनेक्शन। छोड़ना है इधर इधर इधर। काय को डांगा रहा है? चाचा चौधरी तो श्रीला के पापा नहीं थे। पापा बेटा, तेरे तो शादी होने से पहले ही डिवोर्स हो गया। अरे मेरी वाली चली गई। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। हमारे आज के इस फंक्शन के सिंगर कुमार जी मुंबई के फेमस ट्रैफिक में फंस गए हैं। तो आप में से अगर किसी को गाना आता हो तो इस प्रोग्राम को शुरू कर सकते हैं। मुझे क्या पता। डू वी हैव एनीबॉडी फ्रॉम द गेस्ट्स? सर आप? सॉरी। हाउ अबाउट यू? नो सॉरी। कम ऑन सर, यू कैन डू इट। You can do it. Hey, ये गाएंगे। We have a volunteer. Bravo. इसे तो बड़ी शुरू करी रहती है। अब गांव में जाकर क्या प्रॉब्लम है? जाओ। क्या कम सा? ये। पापा, टाइम इज आउट। जब से आए हैं तब से मुंह लटकाए बैठे हैं। मुझसे बात कीजिए ना पापा। मेरा बात करने का मन नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक आप अपसेट हो गए? माँ के जाने के बाद भी आपने मुझे उनकी कमी नहीं महसूस होने दी। आपने मुझे हमेशा पूरी आजादी दी है, पर क्या मैंने उसका गलत फायदा उठाया? आगे भी नहीं उठाऊंगी। ओके पापा, आप अपनी बेटी पर थोड़ा तो भरोसा कीजिए ना पापा। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपको शर्मिंदगी हो। अरे ये क्या कर रही हो श्री? तुमसे गुस्सा रहने का मैं नाटक तक नहीं कर सकता। बहुत शैतान है तो। तुम खुद ही तो कहती हो कि वो जोकर है। वाकई जोकर है वो। हैप्पी बर्थडे श्री। और बताओ पापा कैसे हैं? उनकी शुगर तो कंट्रोल में है ना? उन्हें कितना भी समझाओ मिठाई खा कर ही छोड़ेंगे। यहाँ देखो मेरी बेटी भी वैसी है। क्या पापा, आप मिठाई कहाँ खाने देते हैं? हमारा घर तो एक आर्मी कैंप है। ओह नो नो, आई एम ऑल राइट थैंक्स। तो अब मेरी बॉम्बे में ट्रांसफर हो गई है और कल से मैं बैंक में मार्केटिंग हेड के तौर पर ज्वाइन कर रहा हूँ। वो एक्चुअली मैं श्री का बर्थडे मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए एक दिन पहले ही आ गया। अरे तो यहीं ठहर जाते। I've got such a big house. हाँ, नहीं अंकल, घर के पास ही जिम और योगा टीचर ढूंढ लिया मैंने। डाइटिशियन का क्लीनिंग भी पास ही है तो। तुम्हारी स्ट्रिक्ट डाइट की वजह से ही तुम्हारी वाइफ छोड़कर चली गई तुम्हें। रुको, मुझे मेरे डाइट और योगा की वजह से छोड़ के गई है ये तो आज ही पता लगा मुझे। एनीवे, वो तो पागल थी। वो कल बर्थडे के लिए क्या प्लान किया है तुमने? शाम को फ्री हो तो डिनर पे चलते हैं ना? अंकल आप भी चलिए। नहीं नहीं, नॉट मी, यू किड्स गो। ओके
I'll have a green fungi salad with seaweed, no oil, no cheese, okay? अरे ये क्या घास फूस मंगवा रहे हो खाने के लिए? एक मार्गरिटा पिज़्ज़ा with extra mozzarella, parmesan and feta cheese. अरे, all right, man. अरे ये what's happening? Hey. Happy birthday to you. Happy birthday to you. So cool. Happy birthday, Srila. Thank you. Hey. तुम यहाँ? ये लो काटो के श्री तुमने बुलाया इसीलिए तो यहाँ आया Did you? मैंने कब बुलाया Did you? तुम्हें तो Thank you. राम ये मेरा फ्रेंड है चंद्रू ओहो Hey, what's up, man? चंद्रू ये मेरा फैमिली फ्रेंड है फैमिली फ्रेंड वाओ मतलब भाई जैसा हाय कैसा है साले आई मीन साले ठीक हूँ मैं व्हाई डोंट यू जॉइन अस क्या 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 खाएंगे आप अच्छा आइडिया साले साथ में क्वार्टर मारेंगे व्हाट यू गाइस हैविंग आई विल हैव अ ग्रीन फंगी सैलेड विद सीविड नो ऑयल नो चीज ये सब मैं नहीं खाता यार ये खाऊंगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा हे तुम ये बकवास खाना क्यों खा रही हो यार ओह थैंक गॉड अपने को तो एक्स्ट्रा चीज चाहिए उन लोगों को देखो खाओ पियो मस्त रहो एकदम बिंदास अरे ओह गॉड ओह माय गॉड आई एम सो सॉरी ये सब श्री की वजह से हुआ क्या श्री इट्स ओके मैं आई जस्ट आई जस्ट राम इट्स ओके नो प्रॉब्लम टेक योर टाइम नो प्रॉब्लम तुमने ये जानबूझकर किया ना हाँ नहीं आई मीन तुमने तो मुझे जोर से मारा ना यहाँ से जाओ अभी के अभी यहाँ से निकलो प्लीज जाओ लीव यार वो उसने डिनर के लिए पूछा है खाना खाने दो ना यार उसे बुरा लगेगा वो पापा को सब बता देगा जस्ट गो चंद्रू गो ओके प्लीज बाय बाय Hi. 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 Hi, birthday girl. Happy birthday. Thank you, uncle. Hi. Hi. I'm Imran. My husband. He's with BBC. All right. You're the one. Thank you. तुम्हारा dinner कैसा रहा? हाँ अच्छा रहा. Dinner के लिए कहाँ गए? In fact, श्री का एक friend भी वहाँ आया हुआ था. Oh अच्छा. मुझे तो लगा था कि तुम दोनों dinner के लिए गए हो. हाँ plan तो यही किया था. But चंद्रू भी वहाँ आ गया था. चंद्रू आया था? हाँ यार बिना बताए वहाँ पर आ गया. श्रीला वो तुम्हारे पापा का योगा टीचर है ना हे ज्यादा मत बोलो हाँ राम बहुत अच्छा है वेरी क्यूट हाँ तुम्हारे लिए सब क्यूट है शाहरुख क्यूट है ओल्ड मैन क्यूट है ये कुत्ता भी क्यूट है तुम्हारा स्कार ये बीच वाले भी क्यूट ही है तुम्हारे लिए ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड के अलावा बाकी सारे क्यूट है वैसे ये वाली एक्चुअली क्यूट थी हे व्हाट मैं साथ हूँ फिर भी दूसरी लड़कियों को घूर रहे हो खाना ऑर्डर किया इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे के टेबल पर नहीं देख सकते खाना तो टेस्टी होता है श्री मैं बिल्कुल नॉर्मल लड़का हूँ बुक्स ज्यादा नहीं पढ़ता म्यूजिक थोड़ा सुनता हूँ और बहुत सोता हूँ सिगरेट पीता हूँ बियर पीता हूँ दो तीन दिन में एक बार नहाता हूँ वो भी जब नानी डांटे तब मैं मंदिर जाता हूँ जब नानी घर लॉक कर देती है और क्या बताऊँ मेरे बारे में मेरी तरह इस दुनिया में करोड़ों लोग होंगे लेकिन तुम्हारे लिए चंद्रू थोड़ा अलग है वो क्यों क्योंकि इस दुनिया में कोई तुम्हें मेरे जितना प्यार नहीं कर सकता इसीलिए ये बिल पे कर दो मैं वॉलेट लाना भूल गया ए यू ए अरे रुको Hey Srila, what about my goodbye kiss? मना किसने किया? ये अरे
हिरे, आज तुम्हारा क्या बहाना है? हाँ पापा, बोलो। चंद्रू, चंद्रू इज जस्ट अ गुड इनफ। अब और झूठ मत बोलो। सी अंकल, आप चाहे तो एक बार उसे घर पर बुलाकर बात करके देख लीजिए। देखने में तो अच्छे घर का लड़का लगता है। मोर ओवर, अगर श्री उसे पसंद करती ही है तो वो ऐसा वैसा लड़का नहीं हो सकता। क्यों, मैं सही कह रहा हूं? मैं किसी को क्यों बुलाऊं? श्री उसे बुला सकती है। अब ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा है पापा। तो क्या नाटक देखता रहूं? श्री तुम अंदर जाओ, मैं अंकल से बात कर लेता हूँ। और कल सुबह चंद्रू को घर पर बुला लेना, ठीक है? What? जिप तो बंद ही है। बिल्कुल डरना मत, पापा आर्मी वाले हैं इसीलिए थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ओके ओके, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये क्या है? कहाँ क्या है? मुंह में च्युइंगम, हिम्मत के लिए। कूल ना? जल्दी से थूक दो वरना पापा तुम्हें लफंगा समझेंगे। ए, च्युइंगम से लफंगा? ये लो, निकाल दी, ये लो। पगली, कुछ भी बोल दिए। वैसे ससुर जी का घर काफी अच्छा है। तुम बैठ जाओ, मैं पापा को बुलाती हूँ। ओके। क्यूट है। नाक तो देखो इसकी। What, Mr. Young Man? How are you? Fine, sir. बैठो, बैठ जाओ। What will you have? Tea, coffee, juice or? नहीं, nothing, sir. कुछ तो लो जनाब। सिर्फ पानी। पानी? हाँ। चिरे। तो बताओ। सर, सॉरी अंकल, उस दिन जाने अनजाने। सॉरी 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 सॉरी, क्या कहा तुमने? मुझे सुनाई नहीं दिया। वो क्या है कि मशीन थोड़ी गलत लग गई है। मैंने अगर वो सीरियसली ले लिया होता तो अपने घर में तुम्हें इस तरह से बैठने नहीं दिया होता। हेलो, आओ राम। आजकल बड़े बूढ़ों की बेइज्जती करना फैशन बन गया है। नहीं, तुम्हारी पूरी जनरेशन ही ऐसी है। नहीं, मैंने तो अनजाने में, सॉरी। वैसे तुम रहते कहाँ हो? माटुंगा चर्च रोड। अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो? सर, मैं 10 साल का था तब वो गुजर गए एक कार एक्सीडेंट में। अब मैं अपनी नानी के साथ रहता हूँ। I'm really sorry. It's okay, अंकल, जो हो गया लगता है। It's okay. तुम्हारी नानी ने बड़े लाड प्यार से पाला है तुम्हें। हाँ, बहुत प्यार करती है। और करते क्या हो? जॉब, पढ़ाई? कुछ नहीं, जॉबलेस। सोचता रहता हूँ कि क्या काम करूँ। Is it not interesting, Ram? Yeah. अब तक डिसाइड नहीं किया कि क्या करना चाहिए। I don't understand. इसका मतलब क्या है? इसके बारे में कभी सीरियसली सोचा नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। As I understand, तुम एक पढ़े लिखे बेरोजगार हो। कभी स्कूल भी गए हो या फिर? नहीं अंकल, मैं MBA ग्रेजुएट हूँ। MBA? अंकल, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। मैं श्री का बहुत ख्याल रखूंगा। श्री, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी लाना। तो सॉरी सॉरी, तुम कुछ कह रहे थे, MA हिस्ट्री और ज्योग्राफी और समथिंग लाइक दैट। MBA सर। अंकल, शायद ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मुझे लगता है कि श्री अगर मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ, अंकल सब कुछ कर सकता हूं। Enough! मुझे तुम्हारे सड़क छाप डायलॉग नहीं सुनने। What are you? एक बेरोजगार लड़का जो अपनी जेब में नानी के पैसे लेकर भटकता रहता है।
दिन भर सिगरेट पीना, दारू पीना और आवारागर्दी करना, दैट्स योर टाइम पास। ये कपड़े, जूते, मोटर बाइक तुमने किसके पैसों से लिए? नानी के पैसों पर अय्याशी करते हो? लेट्स बी प्रैक्टिकल। मैं अपनी बेटी को ऐसे लड़के को क्यों सौंपूं जो जीरो के अलावा कुछ भी नहीं है? कब से जानते हो तुम श्री को? 6 महीनों से मैक्सिमम। सर मैं बस इतना जानता हूं कि आपकी बेटी को खुश रखूंगा। सर आपको क्या चाहिए? एक जॉब ना? अगली बार आऊंगा तो मेरे पास अच्छी नौकरी होगी। आई प्रूव माई सेल्फ। वॉट डू यू वॉन्ट टू प्रूव? हे राम, क्या यहाँ कोई रियलिटी शो हो रहा है? दिस जेंटलमैन वॉन्ट्स टू प्रूव समथिंग। हद हो गई। Unemployed MBA graduate wants to prove something. सर मैं चलता हूं। थैंक्स फॉर योर टाइम। चंद्रू, हर लड़की का बाप ऐसे ही सवाल पूछता है। उनकी जगह पर रहकर सोचो और सड़क के बीच में ऐसे चिल्लाओ मत। पापा को सपोर्ट कर रही हो? मेरी जगह खुद को रख कर देखो, फिर मेरी बात समझ में आएगी। इंसल्ट करने बुलाया था, और वो राम, वो बैठे बैठे हंस रहा था मुझ पर। बकवास मत करो, राम बहुत अच्छा है, उसी की वजह से तो ये मीटिंग हुई थी। ओ, बुरा तो मैं ही हूँ ना, एक बेरोजगार लड़का, आवारा कुत्ता जो तुम जैसी मेम साहब पर लट्टू हो गया। अगर सिर्फ नौकरी करने वालों को ही प्यार करने का हक होता तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाहर भीड़ लगी होती। चंद्रू प्लीज तुम चिल्लाना बंद करो, गुस्से में कुछ भी मत कहो तुम, और राम को बीच में मत लाओ। तुम्हारे पास जॉब नहीं है, ये सच है, है कि नहीं? ये आदमी अपना चंद्रू लग रहा है ना? चलो बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं करनी बात। क्या है ये बचपना तुम्हारा, और कितने दिन से बिना बात किए रहोगे? राम प्लीज डोंट स्टॉप। रुको मैं बात करके आता हूँ। रुक जाओ राम, मुझे तुम से रुको, बात मैं जा रहा हूँ ना। उससे बात करने से कोई फायदा मैं नहीं। अभी हे चंद्रू, हाउ आर यू? मैंने तुम्हें एक दो बार फाइल लेके घूमते देखा था, बात नहीं कर पाया। जो 3 साल से अनएम्प्लॉयड है उसे इतनी जल्दी नौकरी नहीं मिलेगी। तुम्हें काम क्यों नहीं करते? अपना रिज्यूमे मुझे दे दो, तुम्हारी नौकरी मैं लगवाता हूँ, वो भी आज ही। मेरे यहाँ बड़ी जान पहचान है। नहीं तुम रहने दो, मैं देख लूंगा। ईगो, औकात 2 टके की नहीं है तुम्हारी, एटीट्यूड देखो स्टारों वाला। एक सच्ची बात बोलता हूँ, आखिर में श्रीला की शादी मुझसे ही होगी और हमारे बच्चे तुझे मामा बुलाएंगे। तू तब भी फाइल लेके घूमना। सौदे कर कर और कर क्या कर। श्री सिर्फ मेरी है। देखो इसे। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, वो नौकरी नहीं मिल रही थी तो फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने एक जॉब ऑफर दिया तो गुस्सा हो गया मेरे पे। छोड़ो चले यहाँ से। सॉरी राम। श्रीला पे गुस्सा निकालने के लिए तो बसलिस्तान जाएगा, जानता है वहां कितनी गर्मी है। तेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो जॉब तेरे लिए नहीं है यार। ए, मुझे ये शहर पसंद नहीं है, इसीलिए जाना है वहां।
मुझे खुद को प्रूफ करना है। प्रूफ? अब मुझे यही नौकरी मिल रही है तो क्या मना कर दूं इसे? ये जॉब चलेगी ना? हाँ सर, चलेगी सर। क्या हरी सर, ये मान ही नहीं रहा। सिर्फ इसलिए नौकरी कर रहा है ताकि इसके गर्लफ्रेंड का बाप शादी के लिए हाँ कर दे। बसलिस्तान जाने के लिए तैयार हो गया है। देखो, 3 महीने और रुक जाओ। लंदन में शिवा का भाई जहाँ है उसी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा। अच्छी जॉब है, बाकी चॉइस तुम्हारी। नहीं सर, ये जॉब चल जाएगी। नौकरी की बहुत जरूरत थी। थैंक्स फॉर द हेल्प। इतने कम वक्त में आपने क्या ये थैंक्स वैक्स लगा रखा है? ये मेरा काम है। सुनो। हाँ ठीक है, तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। सर मुझे क्या करना होगा? एक गरीब परिवार अपने एक बेटे को बसलिस्तान भेजना चाहता है। ऑटिस्टिक है, पर किसी से कम मत समझना इसे। बहुत स्मार्ट है, इसे अपने साथ संभाल कर ले जाना होगा। उसके घर वालों की दुआएं मिलेंगी। आओ आओ। हाय, आई एम चंद्रू। इकबाल, ये नीचे रखो। और चंद्रू भैया क्या कह रहे हैं सुनो। मैं घर की सफाई कर सकता हूँ, झाड़ू लगा सकता हूँ, बर्तन धो सकता हूँ, टीवी देख सकता हूँ, नमाज पढ़ सकता हूँ, घर की सफाई कर सकता हूँ। बस बस बस, ट्रेनिंग कुछ ज्यादा ही हो गई है। इमिग्रेशन में ये सब बोलना पड़ता है ना, इसीलिए रट लिया है इसने। तुम मेरे साथ चलोगे ना? हम फ्लाइट में जाएंगे। हम ज्यादा बोलता नहीं। हाँ। ये मैं रख लूं? लगता है नाराज हो गया। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? थैंक्स, स्वीट है। श्योर सर, मैं ले जाऊंगा। शीला को फोन करना। क्या बात है चंद्रू, इतना मुंह क्यों लटका हुआ है? अगर जाने का दिल नहीं है तो घर वापस चल। हे नानी, पहली बार मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ ना। ये डायलॉग्स किसी और को सुनाना। नानी मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। हाँ चंद्रू, रेडी हो ना? सर नमस्ते। नानी ये मैंने बताया था ना, हरिदास सर। नमस्ते माँ। पासपोर्ट देना। हाँ वो पासपोर्ट। हाँ इकबाल आओ। अरे चंद्रू, हाँ तुम्हारा बैग कहाँ है? ये रहा सर। तुम बातें करो, मैं चेक इन करा लेता हूँ। ओके सर। यार एक बार तो कॉल कर ले उसको, करना। Please proceed to gate number 3 immediately. The final checks are being completed. Shri. क्या हुआ चंद्रू? मैंने फोन किया तो राम ने उठाया। कमीना। ओके इकबाल, बाय। चंद्रू, सॉरी सर, फोन पर था। अरे कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नमस्ते। थैंक्स फॉर द हेल्प। नमस्ते। चंद्रू, इसे हो क्या गया है? तू ठीक तो है ना बेटा? इसने शीला को फोन किया था लेकिन राम ने फोन उठाया, इसलिए मुंह लटका हुआ है। आजकल के बच्चों का रोमांस कुछ समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं उसे बता दूंगी। अच्छा देख बेटा, अपना ध्यान रखना और मुझे दिन में 2-3 बार फोन जरूर करना। आप ज्यादा रोना मत, अपना ख्याल रखना, जल्दी आ जाऊंगा। ओके, संभल के जाना। चल बाय बाय। हेलो हेलो शिवा, तुमने कॉल किया था? अरे यार चंद्रू ने तुम्हें फोन किया था लेकिन तुम्हारा फोन जो है राम ने उठाया। चंद्रू ने? हाँ कुछ ही देर पहले किया था। वो है कहाँ? वो तो बसलिस्तान के लिए निकल गया। व्हाट? फ्लाइट में बैठ गया है, बस टेक ऑफ होने वाला है।
ड्रग मींस डेथ। लेकिन उसको क्यों मारा? वो अपने साथ ड्रग्स लाया था, आज नहीं मरता तो कुछ दिन बाद मर जाता। हे इकबाल, इकबाल ये लो, ये पासपोर्ट है, पहुंचते ही फोन करना मुझे, भूलना मत, ओके? समझ गया ना? एक्सक्यूज मी, आर यू बोथ फ्रॉम इंडिया? इज दिस लगेज योर्स? यस सर। दिस लगेज हैज इट बीन चेक्ड? नो सर। कम ऑन, गेट इट चेक्ड वन बाय वन नाउ। यू सी दैट? यस। Drugs! Don't move! Lie down! Everyone on the floor! Chandru, ये बैग तुम्हारे लगेज के साथ चेक इन करा रहा हूँ, मेरा आदमी आकर ले जाएगा। He is Chandru. वहाँ खबर कर लूँ। बसलिस्तान एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट ने चंद्रू को ड्रग्स के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब ऑफिसर्स ये देखने में लगे थे कि वो अपने साथ कितनी ड्रग्स लाया था। जितनी ड्रग्स उतनी सजा। वैसे भी बसलिस्तान में ड्रग्स के साथ मिलना यानी सजाए मौत, सीधा सर कलम। सर, सर दिस इज नॉट माइन सर, व्हाट इज दिस सर? ये कुछ ना करते हुए भी बसलिस्तान में चंद्रू एक क्रिमिनल बन गया था, एक ड्रग्स स्मगलर जो अपने साथ कई किलो ड्रग्स लेके बसलिस्तान आया था। मैं इसे बड़े जनाब के कमरे में ले जा रहा हूं। ठीक है मिस्टर चंद्रशेखर, हाउ आर यू? सर आई एम हरीश, इंडियन एम्बेसी के लिए काम करता हूं। सॉर्ट ऑफ। अपने कपड़े पहन लीजिए। सर मैंने कुछ भी नहीं किया। जानता हूं, घबराइए मत, आप मेरे साथ आइए, आइए। आर यू स्केर्ड मिस्टर चंद्रशेखर? सर मैंने कुछ नहीं किया। डरो मत, हम किस लिए हैं? तुम्हारे लिए ही। तुम हमारी मदद करो, अगली फ्लाइट से तुम इंडिया वापस जा सकते हो। ठीक है सर, बताइए मुझे क्या करना होगा। ये तुम्हें किसने दिए? सर हम कुछ नहीं जानते सर, हमें ये नहीं पता कि ये बैग किसका है। मुंबई एयरपोर्ट पर हमारे ट्रैवल एजेंट ने हमें धोखा दिया है सर। सर ट्रस्ट मी सर। तो तुम हमें नहीं बताओगे कि ये ड्रग्स तुम किसके कहने पर लाए हो? सर क्या बताऊं, वी आर इनोसेंट सर, आई हैव नो आईडिया सर। सॉरी सर, दैट्स ऑल ही हैज टू से। टेक देम। सर आपने जिसके साथ ड्रग्स भेजे थे वो एयरपोर्ट पर ही पकड़ा गया, दोनों को जेल लेके जा रहे हैं सर। ऐसे कैसे हो गया? सिर्फ इस आदमी की चलती है। इकबाल चुप हो जा। जेलर नजीर, उसका यहाँ इतना खौफ है कि कैदी तो इसे देखते ही खाना पीना और सोना तक भूल जाते हैं। इंसान के भेस में शैतान है ये, और अब मासूम इकबाल उसके जुल्म का शिकार होने वाला है।
एक और मासूम आज जल्लाद जेलर नजीर की बेरहमी और क्रूरता का शिकार हुआ। इस जेल की यही परंपरा है, जो भी आवाज ऊंची करता है उसे खामोश कर दिया जाता है। हे इकबाल, इधर देख। यहाँ किसी भी दरवाजे पर लॉक नहीं है, बाहर निकल और उसके पास चला जा। दरवाजा खोल, आसानी से खुल जाएगा। अरे बाहर हाथ डालकर खोल। हाँ हाँ खोल। हे हे इकबाल, अरे कितना मारा है। अरे ये जालिम लोग हैं, एक नंबर के दरिंदे हैं दरिंदे। सुनो सुनो, नीचे जाओ, दो मंजिल नीचे यहाँ का स्टोरेज है, वहाँ ये लोग सारी दवाइयाँ रखते हैं, इसके लिए वहाँ से दवा ले आओ। ज्यादा सोचो मत यार, कोई नहीं आएगा, वो लोग सो गए होंगे, मैं इसका ख्याल रखता हूँ। और हाँ सुनो, जरा आते वक्त मेरे लिए एक चादर लेते आना। अरे पागल, चिल्लाएगा तो तुम मार खाएगा, चुप नहीं बैठ सकता। चल कोई बात नहीं। मजद सिका, यला ज़्यादा स्मैक बनता है। I won't spare you. तेरे को छोड़ेगा नहीं। Hey, you, इधर आ। Hey, stop. इधर देख, तू है कौन साले? Hey, I will not leave you. भाई क्या देख रहे हो, लगता है ना ये बाजार बिल्कुल इंडिया के बाजार जैसा। अरे अपना तो ये ससुराल है, वैसे तुम लोगों को यहाँ अंदर क्यों डाला है, चोरी के लिए? कब से? ए, अरे जब कोई बड़ा बात करता है तो उसे बिना जवाब दिए जाना बदतमीजी है। अरे सुनो बात सुनो, व्हाट केस? ड्रग्स। हाँ? फिर तो ये लटक गया, सर काट देंगे। टेक, यू टेक। लो भाई, यहाँ सब कुछ मिल जाता है, अगर चाहो तो लड़की भी मिल सकती है। क्या
अरे ए, सीनियर सिटीजन को जवाब दिए बगैर कहाँ जा रहे हो? अरे उंगली से इशारा मत करो। सुनो, कल तो इस आदमी को वो लोग मार रहे थे, इसका नाम जिया था ना? कल तुमने इसी की जान बचाई थी। साथ में है जेलर नासिर, साला एक नंबर का सटकेला इंसान है। ये जो लौंडे हैं वो जियाद की खबरी हैं और जियाद जेलर का खबरी है। जिस तरह ये लौंडे जियाद की मदद करते हैं, जियाद जेल से निकलने में इन सब की मदद करता है। ऐसा समझ लो कि जब ये जेलर जेल से बाहर होता है तो यहाँ उसके आँख कान जियाद है। जियाद अगर किसी की खबर दे दे तो नासिर उसका काम तमाम कर देता है। इसलिए उन चाइना के लौंडों ने कल रात को जियाद की धुलाई कर दी। वैसे तुम्हें देखकर लगता है तुम किसी अच्छे घर के लड़के हो, फिर तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हें भी किसी ट्रैवल एजेंट ने धोखा तो नहीं दिया? आपको कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? यहाँ आधे से ज्यादा मासूम लोग इसी वजह से तो बंद हैं। यहाँ इंडियंस और गरीब मुस्लिम लड़के अच्छा काम और पैसे की आस लेकर आते हैं। तुम जैसे लड़कों को जब ये ट्रैवल एजेंट्स यहाँ भेजते हैं तो चुपचाप साथ में ड्रग्स से भरा एक बैग भी दे देते। वो जानते हैं कि इस देश के कायदे कानून बहुत सख्त हैं, फिर भी यहाँ ड्रग्स किस लिए भेजना? अब देखो, हमारे वतन में 1 किलो ड्रग्स यानी 1 लाख रुपए यानी कुछ नहीं, लेकिन यहाँ वही 1 किलो ड्रग्स 2 करोड़ की होती है। वो सारे ट्रैवल एजेंट्स हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हमारी गलती ये होती है कि हम उनका बैग साथ ले आते हैं, लेकिन हम कभी वतन वापस नहीं जा पाते हैं। वैसे तुम्हारे बैग में कितनी ड्रग्स थी? मेरे बैग में 2 किलो और इकबाल के बैग में 5 किलो। बस इतनी? टोटल 7 किलो। तुम तो गए काम से। उधर जो आदमी बात कर रहा है ना, उसका नाम पॉन्डिचेरी मैक्स है। वो कई वकीलों को जानता है। चलो उससे बात करके देखते हैं, पूछते हैं कि उसके पास तुम्हें यहाँ से निकालने का कोई जुगाड़ है क्या। चलो। चीना तुमको बेकार में डराता है। घबराओ नहीं, तुम्हारा सर नहीं कटेगा। एक अच्छा लॉयर करो और यहाँ से निकाल लो। सच में ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स। एक काम करो, यहाँ से निकलने के बाद नकली पासपोर्ट बनाओ और बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री में चले जाओ। यही एक रास्ता है, वरना यहीं पर मर जाओगे। कभी कभी ये चिन्ना का दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। एक्चुअली चिन्ना की बेटी की किडनी फेल है, उसी के इलाज के लिए पैसा कमाने को वो इधर आया था। यहाँ आने के बाद जेब में खाने के पैसा न होने पर उसने चोरी की और पकड़ा गया। और तुम? मैं यहाँ पर ड्रग्स के केस में पकड़ा गया था। तुम्हें कितने साल की सजा हुई? 12 साल की। लॉयर की वजह से मेरा सर बच गया। मेरे पास बेल के पैसे नहीं, इसलिए यहाँ पड़ा हूँ। तुम्हारे पास कितनी ड्रग्स? 100 ग्राम। सिर्फ 100 ग्राम? 100 ग्राम के लिए 12 साल जेल? सिर्फ यहाँ नहीं, मलेशिया सिंगापुर में भी ऐसा ही होता है। You know, इस तरह कितने मासूम इंडियंस फंस जाते हैं। मीडिया doesn't like to talk about it much. एक इटालियन के पास गांजे से भरी सिर्फ एक सिगरेट थी, उसके लिए उसका सर काट दिया। और तुम तो यहाँ 2 kg ड्रग्स के केस में फंसे हो। May God help you, brother. जनाब, आज अदालत में 4 बड़े गुनहगार खड़े हैं। इंडिया का चंद्रशेखर, नाइजीरिया का नेबिल, पाकिस्तान का याकूब और इनमें आखिरी है इंडिया का ही इकबाल हसन मोहम्मद। ये हैं इनके कागजात। बसलिस्तान एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ इन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये दिन दहाड़े ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे। इन्हें ऐसी सजा दीजिए कि आगे ऐसा करने वालों की रूह कांप जाए। इकबाल, चंद्रशेखर, नेबिल और याकूब महमूद खान को मुजरिम करार दिया जाता है। ड्रग्स की तस्करी करना इस देश में देशद्रोह के बराबर है, इसलिए ठीक 1 हफ्ते बाद इन सबका बीच बाजार सर कलम करने का हुक्म दिया जाता है। Hey man, don't cry. Why are you crying? Please don't cry. Get up. I've done nothing. Please leave me. High court के 15 जजेस ने मिलकर आज के अपने फैसले में बीच बाजार तुम चारों का सर कलम करने का हुक्म सुनाया है। I'm sorry about this judgment. I'm sorry. Sir, कलम? We are in a foreign country. I cannot do anything about this. Mr. Chandru, now it's out of my hands. Please understand. I cannot do anything about this. For what? Death for what? I'm sorry. Why are you doing this to me? You know the law of this land is such. Chandru, I'm innocent. Chandru, I'm innocent, sir. Sir, you have to help me, sir. Sir, I'm innocent, sir. Sir, what the? I'm sorry. I can't do anything.
मैं छूट गया। कल मैं अपने घर चला जाऊंगा, मैं तो बच गया। ला, आज के बाद मैं कभी तुझसे सिगरेट नहीं मांगूंगा। तू फूक। हे चंगू मंगू, आ जाओ, आखिरी बार खेल ले, आज आखिरी दिन है। अरे मेरे प्यारे दोस्त। अरे hey, चुना, काम डाउन। चंद्रू को देखो, वो परेशान है। ये इसके केस की डिटेल्स हैं। चंद्रू, तू फिकर मत कर यार, मैं हैदराबाद मुंबई होकर ही जाऊंगा। वहां तेरी नानी से मिलकर उन्हें सब कुछ बता दूंगा। मैक्स ने तेरे केस की सारी डिटेल इसमें लिख दी है। एक अच्छे वकील की मदद से तू भी बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। चिन्ना, अपनी बीवी और बच्ची को मेरा सलाम कहना। ऊपर वाले की दया हुई तो यहाँ से छूटने के बाद उनसे मिलने आऊंगा। मुझे पूरा यकीन है हमारी फिर से मुलाकात जरूर होगी इंशाल्लाह। अभी दुकान बंद हो गई है, कल आइए। कल मैं आपका कनेक्शन लगा दूंगा, ठीक है ना? अभी के लिए दुकान बंद है, कल आइए। ये शिवा कौन है? मैं हूँ। मैं बसलिस्तान से आया हूँ। आज मेरे चंद्रू का बर्थडे है। लीजिए, आप आराम से बैठकर खीर खाइए। मैं अभी एक मिनट में किचन से होकर आती हूँ। सर, ये बात नानी को कैसे बताएंगे? वो हार्ट पेशेंट है। पर बताना तो पड़ेगा। अच्छी बनी है ना? चंद्रू को मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। पूरी की पूरी खीर चट कर जाता था। अरे शिवा, तुमने बताया नहीं ये कौन है? सर वो नमस्ते माँ जी, मेरा नाम चिन्ना है। मैं बसलिस्तान से आया हूँ। मैं वहाँ चंद्रू से मिलकर आया हूँ। हे भगवान, अब जाके मेरे बच्चे की खबर मिली। बताइए ना, मेरा बच्चा कैसा है? उसकी नौकरी तो ठीक है ना? तबीयत वगैरह सब ठीक तो है ना? जाने के बाद एक बार भी फोन नहीं किया। मन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं। अब माँ जी, चंद्रू एक मुसीबत में फंस गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ मेरे बच्चे को? यहाँ के ट्रेवल एजेंट ने चंद्रू की बैग में ड्रग्स डाल दी थी। वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचते ही उसे अरेस्ट कर लिया गया। अगर हम कोई अच्छा वकील कर ले तो वो जरूर बच जाएगा, लेकिन अगर हमने जल्दी नहीं की तो उसका सर काट दिया। नानी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सच है, सजा सुना दी गई है। आपको यहाँ की मिनिस्ट्री में बात करनी होगी। चंद्रू, केस के बारे में सारी डिटेल इस खत पे लिखी हुई है। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। ऊपर वाला इतना बेरहम नहीं हो सकता। मैं भी तो छूट के आ गया ना। वो अलग बात है कि एक छोटी सी चोरी के लिए मेरा हाथ काट डाला। अरे हाँ शिवा, ये चंद्रू ने किसी लड़की को देने के लिए कहा था। नानी, ए श्रीला, बाहर निकल। कौन चिल्ला रहा? बाहरा शिवा, तेरे प्यार के चक्कर में हमारा दोस्त फंस गया है। क्या बकवास कर रहे हो? ये सब अपने बाप से पूछ। नानी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब तो तुम्हें शांति मिल गई? प्लीज, तुम चिल्लाना बंद करोगे? चंद्रू को क्या हुआ है बोलो। हाँ, ट्रैवल एजेंट हरिदास ने उसे फंसा दिया। चंद्रू के बैग में उसने ड्रग्स भेज दिया। एयरपोर्ट पे ही उसे अरेस्ट कर लिया। ये सब वहाँ से आए एक आदमी ने बताया। हम में से किसी को वहाँ जाना पड़ेगा, वरना हम अपने चंद्रू को हमेशा के लिए खो देंगे। Stop it! इसमें हमारी क्या गलती है? That is his bloody fate. अब यहाँ से निकलो वरना पुलिस को बुलवा लूंगा। Out! Get out of here! पापा बस कीजिए, डोंट बी इनसेंसिटिव। ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? नानी कौन से हॉस्पिटल में है? धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल। अब तो तू खुश है ना श्री? मेरा बच्चा जेल पहुंच गया। सुना है उसका सर काट दिया जाएगा। मेरा चंद्रू इतना बुरा नहीं है कि अपने साथ यहाँ से वो ड्रग्स ले जाए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? शिवा, ये शिवा कहाँ चला गया? शिवा, नानी क्या हुआ? नानी, तूने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट क्यों किया? मुझे यहाँ से निकलना है, बसलिस्तान जाके अपने बच्चे को मुझे बचाना है। मुझे यहाँ से ले नानी,
आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, आपकी सेहत ठीक नहीं है, मैं जाकर चंद्रू को वापस लाऊंगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो मेरी वजह से ही वहां गया, काश मैं उससे बात कर पाती। अब मैं चंद्रू को साथ लेकर ही वापस आऊंगी, वादा है नानी। I'm sorry. श्रीला एक मिनट रुको, चंद्रू ने लेटर भेजा है, पढ़ लो। This Anwar, एक अकेली लड़की वहां जाकर क्या कर पाएगी? You very well know the rules there are very strict. तुमसे बात करके क्या फायदा? तुम तो उसका साथ दे रहे हो। शीला कितनी जिद्दी है तुम जानते हो ना? वो किसी के भी कहने पर नहीं रुकने वाली। समझो यार, she's in love with him. तुम जैसे सोच रहे हो चंद्रू ऐसा क्रिमिनल नहीं है। पहली बार जब उससे मिला था तभी उसका बैकग्राउंड चेक कर लिया था। He's a good chap. शीला के मामले में तुम बहुत इमोशनल हो जा। सपोर्ट स्टॉप वरिंग अबाउट हर। तुम ज्यादा ही चिंता कर रहे हो। मैंने उमर से बात कर ली है। He will take care of her. बेटा, ये तुम्हारे सारे ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स, वीजा, टिकट सब इसमें है। होम मिनिस्टर से बात करके मैंने बात आगे पहुंचा दी है। थैंक्स। श्री, श्री, तुम्हारा जाना जरूरी है, एक बार फिर सोच लो। अकेले जाके उसे वहां से लाना, इट्स हाईली रिस्की। उसकी जान खतरे में है पापा, यहाँ से किसी को तो जाना ही होगा। अब उसकी किस्मत ही काली स्याही से लिखी है तो हम क्या करें? तुम क्या वहां जाकर उसकी किस्मत बदलोगी? कौन सी किस्मत पापा, कैसी किस्मत? वो वहां मेरी वजह से ही गया था, मुझसे प्यार करने की सजा मिली है उसे, इसमें उसकी क्या गलती? आप किस्मत की बात कर रहे हैं ना, तो सुनिए, मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं उसकी जान बचाऊं। श्री, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपने मुझे रोका तो आपकी बेटी यहाँ एक जिंदा लाश की तरह रह जाएगी और हो सकता है उसके बाद में मर ही जाऊं। श्री, आई एम सॉरी। आइए मैडम। ओ हेलो, कौन है आप? आइए ना। हे, बिना मेरी इजाजत के बैग क्यों उठाया? इंडिया से आई हैं आप? अरे? मुंबई की लगती है मुझे तो, सही पहचाना ना मैंने? मैं यार टैक्सी ड्राइवर हूँ। आप जाइए ना, अंदर बैठिए। पहले इसे पहन लीजिए, यहाँ आने वाली हर औरत को ये पहनना पड़ता है वरना पुलिस पकड़ लेती है, और बहुत ही तगड़ा फाइन लगाती है, कोई रहम नहीं करती। अरे आपने अभी तक बताया नहीं कि आपको जाना कहाँ है। लो कोर्ट प्रिजन। क्या कहा, जेल? हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, जेल में या जेल के पास किसी जगह। जेल ही जाना है, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैम एक बात बताऊं, आप मेरी आखिरी पैसेंजर हैं, कल तो मैं वापस इंडिया चला जाऊंगा। ये मेरी बीवी है मुंबई में, वहां मेरा इंतजार कर रही है। लगता है आगे रास्ता बंद है। क्यों? पता नहीं, शायद ट्रैफिक जाम है। हेलो हेलो, क्या हो गया यहाँ? किसी का सर कलम हो रहा है। अच्छा मैडम, कुछ देर हमारी गाड़ी आगे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? ट्रैफिक जाम। लेकिन आप लकी हैं, हर किसी को ये देखने का मौका नहीं मिलता। अरे
मेरे मुस्लिम भाइयों सुनो, हमारे मुल्क में जिस हरकत को हराम माना जाता है उसके लिए कुछ मुजरिमों का आज सर कलम किया जाएगा। इधर आइए ना मैडम, यहाँ ऊपर चढ़ जाइए। ये सब देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, चलो यहाँ से। मैडम जेल जाने का यही एक रास्ता है, सिर्फ 5 मिनट और, ये मौका फिर नहीं मिलेगा आपको। मैं जानता हूँ आप पहली बार देख रही हैं इसलिए डर जाएंगी, लेकिन यहाँ का कानून ही ऐसा है मैडम। बेकार में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, चलो यहाँ से। रुकिए ना मैडम, लगता है आज कुछ इंडियंस के सर कलम होने वाले हैं। क्या? कोई बड़ा गुनाह किया होगा। चंद्रू मैडम, कौन चंद्रू? चंद्रू चंद्रू, अरे मैडम कहाँ जा रही? चंद्रू, अरे मैडम सुनिए तो, कहाँ जा रही है आप? चंद्रू क्या कर रही है आप? हमारे वतन की लड़की है, बेचारी बहुत मुसीबत में है, ऐसे कैसे अकेले छोड़ दूं उसे? अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, देखो इतने दिन इंतजार किया तो एक दिन और सही। चंद्रू चंद्रू मैडम, चंद्रू मैडम, मैडम मैडम रुकिए, भागिए मत। आपका बैग और पासपोर्ट महफूज है, मैंने संभाल के रखा हुआ है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन आप बेहोश क्यों हो गई थी? आपकी वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो गई। मैंने उसे मार डाला, मैं उसकी गुनहगार हूँ। क्या? वो चला गया। क्या कह रही हैं? चेहरा खून से लथपथ था। किसकी बात कर रही हैं? मैंने आज चंद्रू को देखा, मैं यहाँ पर उसी को बचाने के लिए आई थी। आपने उसे वहाँ देखा जहाँ सर कलम किए जा रहे थे? चंद्रशेखर, ये आप क्या कह रही हैं? ये आज उस जगह पर था। सिस्टर इनका ख्याल रखना, मैं अभी आया। हेलो, एक बात बताओ मुझे। पता नहीं आज किसका सर कटा, लेकिन कोई इंडियन ही था। हो सकता चंद्रू अभी भी जिंदा हो, एक अच्छा लॉयर ही सारी डिटेल्स बता सकता है, वरना कुछ नहीं कर सकते। यहाँ एक लॉयर है जो मेरे पापा के दोस्त है, ये उनका एड्रेस है। ठीक है, मैं लेके चलता हूँ आपको, आइए मेरे साथ। हाँ, चलो। आज जिन्हें सजा मिली है उनकी डिटेल्स ऑफिशियली तो हमें अभी नहीं मिल पाएगी, पर मैंने अंदर के कुछ लोगों से मुलाकात की है, सुबह तक पता चलेगा। तुम थोड़ा आराम कर लो, फिक्र मत करो, अल्लाह है ना हमारे साथ। मैडम मैडम, क्या हो गया आपको? आप इस तरह क्यों बैठी हुई हैं? उठिए ना। वो इकबाल था जिसका सर कलम किया गया, उसके बाद तलवार टूट गई और इसीलिए बाकियों की सजा फिलहाल टल गई है। आपका चंद्रू अभी जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ? मैडम आप कुछ तो बोलिए ना। मैडम आपका चंद्रू अभी जिंदा है, चलिए उसे मिलकर आते हैं। Ha ha ha!
सब ठीक हो जाएगा मैम। नानी नहीं आई? वो ठीक तो है ना? नानी वो यहां नहीं आ पाई चंद्रू। She had an attack. She is stable now. डरने की कोई बात नहीं है। तुम फिक्र मत करो चंद्रू, मैंने बेल के लिए अप्लाई कर दिया है। श्रीला मैं बहुत डर गया हूं, मैं टूट चुका हूं। मेरे होते हुए तुम कभी नहीं टूट सकते। थैंक्स। मजहब ये नहीं सिखाता, खास तौर से इस्लाम तो बिल्कुल ही नहीं। The travel agent should be punished. This protest has been initiated worldwide by Ms. Srila Ranjit. After the heinous act of beheading an autistic kid Iqbal, the world is looking at Basilistan government for a fair trial to save Chandru. I've come all the way from India to save Chandru. मिस्टर चंद्रशेखर, दूसरे मुल्कों से आए आप जैसे लोगों को हमारे मुल्क के कायदे कानून जानने चाहिए और उन पर उन्हें अमल भी करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के कायदे कानून कोई नए नहीं बने हैं, बल्कि इन पर सदियों से अमल होता आ रहा है और इन्हीं की वजह से हमारे मुल्क में लोग जिम्मेदारी भरी जिंदगी बसर करते हैं। प्रोटेस्ट करने वाले बाहर के लोग हरगिज ये नहीं जानते और इसीलिए हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आपका गुनाह क्या है। एयरपोर्ट पर जब आपको अरेस्ट किया गया तो उस वक्त आपके बैग से पूरे 2 किलो ड्रग्स बरामद की गई। तुम यहाँ ड्रग्स के साथ पकड़े गए, तुम पे मुकदमा चला और उसमें तुम दोषी पाए गए, इसीलिए ये अदालत तुम्हें सजाए मौत देती है। आज से ठीक 1 महीने बाद तुम्हें ये सजा दी जाएगी। चंद्रू की तरफ से वकील ने उसकी बेगुनाही की दुहाई दी, लेकिन बसलिस्तान में ड्रग्स के अपराधी को हर हाल में सजा मिलती है, इसलिए जज ने उसकी एक नहीं सुनी। अब ये पक्का हो गया था कि 1 महीने बाद बीच बाजार चंद्रू का सर कलम होगा। श्रीला हार गई थी, बसलिस्तान की अदालत जीत गई थी। सॉरी सर। शुक्रिया। मैंने इसे कहीं देखा है, ये तो मलिक है ना? मलिक चलें। मेरे पीछे ध्यान से देखो उस लड़के को। ए मलिक, इसे तो मैंने ही भेजा था। 2 महीने पहले इसे यहाँ की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, फिर ये जिंदा कैसे बच गया? I don't care, मैं जिंदा हूँ
ये बात कोई नहीं जानता। इंडियन गवर्नमेंट को पता चले उससे पहले इसे मार दो। डू यू अंडरस्टैंड यू इडियट। वैसे इस देश के लिए मैं अब्दुल रशीद हूं। एक शरीफ नागरिक के तौर पर यह नाम कमाने में मुझे 15 साल लग गए। एंड टुडे आई एम अ क्लीन एंड ऑनेस्ट सिटीजन ऑफ दिस प्रेस्टिजियस कंट्री। तुम सब जानते हो इंडिया में मेरी मौत का प्लान बनाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। इस कंट्री में मैंने एक ऐसे आदमी को ढूंढा जो मुझ जैसा दिखता था। बेचारा, उसे पता ही नहीं था कि वो बेमौत मरने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से मलिक मर गया है। आई एम अ डेड मैन एंड द केस इज क्लोज्ड। इतने सालों की मेहनत का फल मुझे कल मिलेगा। देखो, देयर इज अ मल्टी मिलियन डॉलर डील। कल के बाद मैं अंबानी से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। कल के फंक्शन में प्रिंसेस पर मोहर लगा देगा। किसी भी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। एंड आई वोंट लेट इट हैपन। एक और बात थी, वहां कोर्ट के बाहर मैंने चंद्रू की गर्लफ्रेंड को देखा। शायद वो भी आपके बारे में जानती है, पर फिक्र मत कीजिए, मैंने पता लगा लिया है कि वो कहां रहती है। Who's this girl? कौन है ये लड़की? I want that girl! कमीने, मुझे अब बता रहा है तू? तुझे यही ठोक देता, लेकिन सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि तू ही उसे पहचानता है। कैसे भी उसका पता लगा और उसे उड़ा दे। Do you understand? This is the last chance for you to live. मैं करता हूं, मैं कुछ करता हूं। सलाम। नमस्कार। आज कुलाबा में हुए शूटआउट में एक खतरनाक टेररिस्ट मारा गया। काफी वक्त से मोस्ट वांटेड टेररिस्ट रहे सुल्तान मलिक शाह को आज एसीपी अनवर और उनकी टीम ने मुंबई के एक पॉश लोकेलिटी में मार गिराया। दुनिया के न जाने कितने देशों में उसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित किया गया था। Why are you hitting me? तूने गलत नाम ले लिया, मलिक। I will kill every Indian dog. I will kill all Indians. You know what? You will meet your girlfriend in hell. We are gonna kill her tonight. Yeah!
नाम ले लिया। उसे कोई छू नहीं सकता। सुनिए, क्या मैं आपके लिए दरवाजा खोल दूं? जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मलिक के आदमी हमें ढूंढ रहे होंगे। मलिक? हाँ। मलिक कौन? मलिक के बारे में बाद में बताऊंगा। फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी करो। हाँ। मैडम मैडम जी, सलाम अलैकुम। क्या आपने इन दोनों को पहले कहीं देखा है? श्रीला, मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ। तुम सब कुछ पैक करके नीचे इंतजार करो, ठीक है? चंद्रू, अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वापस आकर बता दूंगा, ठीक है? मेरा इंतजार करना। चंद्रू, प्लीज। सलाम अलैकुम भाई, इन्हें कहीं देखा है? यू सर, श्योर? कैसे हरी सर, सब ठीक है ना? ए, क्या है रे? आप कौन हैं? आप कौन हैं? सर, मुझे पहचाना नहीं, मैं चंद्रू। किसे तू पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है ना? ये देख, मैं ही हूँ ना, मैं ही हूँ ना, अच्छे से देख। लड़की का एड्रेस मिल गया है, चलो। चलो, हाँ
Hello. Yeah, that's right. Srila Rajan. Okay, I'm coming down. तुम दोनों यही रुको, बाकी सब मेरे पीछे। Good morning, ma'am. Good morning. All right, thank you. Please pay there. Okay. ये लड़की इधर रुकी है? No idea. Is she here? Yeah, she is. जल्दी देखो। वो कमरे में है। क्या किया था मैंने? क्यों धोखा दिया तूने? तेरी वजह से मैं मर जाता। इकबाल तेरी वजह से मर गया। क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? अब बता, मलिक जिंदा कैसे हो गया? उसका नाम लेते ही सब मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। तेरा और उसका क्या कनेक्शन है? बता, बता। बताता हूँ। मुझे कुछ मत करना। हेलो। हेलो, मैडम, मैं हसन बोल रहा हूँ। आप रूम में मत जाना, कुछ आदमी आपको ढूंढ रहे हैं। आप पिछले दरवाजे से निकलिए, मैं वहीं मिलता हूँ। ओपन द डोर। अंदर जाके देखो। मलिक के पास मत जाना, उसे पता चला तो तुझे और तेरे परिवार वालों को मार डालेगा। उस पागल लड़के को मार दिया था ना तूने, तो देखा था ना, एक ही वार में सिर धड़ से अलग और आदमी ऐसे कांपता है जैसे कटा हुआ मुर्गा। उस पागल का तो वही होना था, वैसे भी वो किसी काम का नहीं था। चलो अच्छा ही हुआ मर गया। क्या सोच रहे हो? हाँ, वो देखो उस तरफ कोई मर गया है। Hey, she escaped! Come on!
लोग मेरे सामने हैं। जल्दी आ जाओ, जल्दी से अंदर बैठो। अब आपका इस शहर में रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं आपको बाबा के पास ले चलता हूँ। यहाँ बाबा की सब इज्जत करते हैं। आप जैसे लोग जिनके साथ धोखा होता है उनकी मदद सिर्फ वही कर सकते हैं। बाबा कौन? बाबा बाबा मैं हसन। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा याद है इनके पासपोर्ट के बारे में मैंने आपसे बात की थी? आ जाओ आ जाओ, आओ ना। ये लो चेंज कर लो। श्रीला, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब हमारी आंखों के सामने एक शूटआउट में मलिक मारा गया था, लेकिन यहां वो अब्दुल रशीद नाम से जिंदा है। सो बिजनेसमैन अब्दुल रशीद और टेररिस्ट मलिक एक ही है। आगे निकलो, मैं तुम्हें बाद में ज्वाइन करता हूं। ठीक है सर। सर मलिक, इसका तो एनकाउंटर हो गया था ना सर, ये आपको किसने भेजा है? चंद्रू। ये लो तुम्हारे पासपोर्ट्स, ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में हैं, इन्हें संभाल कर रखना। ये लो बेटा। थैंक्स। हसन इधर आओ। अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो इस रेगिस्तान को पार करना होगा। बशीर को इतला कर देना। हाँ कर दिया बाबा। अच्छा, बशीर की मदद से तुम इस रास्ते से निकलकर दूसरे मुल्क में पहुँच सकते हो। महफूज, इस मुल्क के कानून वहाँ नहीं चलते। खुदा हाफिज। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स माय ऑनर टू वेलकम द बोर्ड मेंबर्स एंड द एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड द ऑनरेबल सेक्रेटरी, एंड आई टेक ग्रेट अमाउंट ऑफ प्राइड to welcome the most powerful business entrepreneur, Mr. Abdul Rashid. Malik ke aadmiyon se door rehna, hum abhi aate hain.
Exxon, the world's largest petrochemical company, will now join hands with Mr. Rashid, and together we shall set up world's biggest refineries. Ladies and gentlemen, Mr. Abdul Rashid. Thank you. Thank you, sir. Good evening, everyone. Assalamu alaikum. आज मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा दिन है. मैं शायद इस मकाम तक इसलिए पहुंचा क्योंकि मैं हमेशा नेकी और भलाई के रास्ते पर चला. माशाल्लाह, मैंने आज तक किसी के दिल को ठेस तक नहीं पहुंचाई. मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे मेरे परिवार के सामने इस इज्जत से नवाजा जा रहा है. नेकी और अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी. Besides, ladies and gentlemen, I'm proud to be a part of Fortune 500 company. मलिक, मुझे जिंदा देखकर हैरानी हुई ना? तुझे जिंदा देखकर मुझे भी हैरानी हुई. Dear friends, this is Sultan Malik Shah. Yes, the man himself. India की criminal list में सबसे top पर, the most wanted international terrorist. India के लिए और दुनिया के लिए ये आदमी मर चुका है. लेकिन मैं यहाँ आया तो मुझे हैरानी हुई. ये आदमी जिंदा है. अब्दुल रशीद नाम से नया जन्म लिया है. Magic, isn't it? नया नाम, नया काम, नया परिवार. मलिक, मैंने तेरा नाम बोला तो तूने मुझे मारना चाहा, लेकिन आज मैंने तुझे मार दिया, वो भी तेरी जिंदगी के सबसे अहम पल में. ओके फ्रेंड्स, पार्टी इज़ ओवर. रुक जाइए, मैं और मलिक, ये मनगढ़ंत कहानी है. दिस मैन इज लाइंग. मलिक, गेम ओवर. यहां बैठे सबको पता चल गया है कि तू अब्दुल रशीद नहीं है. इंडियन गवर्नमेंट और यहां की गवर्नमेंट के बीच बातचीत पूरी हो चुकी है. हर टीवी स्टेशन पर तेरे बारे में ब्रेकिंग न्यूज चल रही है. तू देखना चाहता है? ब्रो, होल्ड दिस. साले ने सब बिगाड़ दिया. Run, Malik, run! Run for your life! कमीना कहीं का? ये जिंदा कैसे बच गया? जेल से बाहर कैसे निकल गया? जेलर हरिदास और नासिर क्या कर रहे थे? सर, उसने उन दोनों को मार डाला. मैं कुछ नहीं जानता. कैसे भी उसे मार डाल. Do you understand? Yes, sir. जा. Take my family and drop them at the airport right now. Yes, sir. Keep the car ready. Fast. Chalo, Hasan, chalo, jaldi karo. Haan, haan, chalo. Go, 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 go. Come on, come on. Fast. चलो जल्दी नीचे उतरो. जाओ यहाँ से, वहाँ पर बशीर बाबा इंतजार कर रहे हैं. जाओ जल्दी से, जाओ. और सुनो, ये फोन अपने पास रखो. अब जाओ ना जल्दी यहाँ से, जाओ. थैंक यू भैया. थैंक्स भाई, छोड़ो. जाओ जल्दी यहाँ से, जाओ. कहाँ है वो? निकल गए. What? अब वे निकल गए बहरे. Okay, then I'll send you for. अबुल, क्या हुआ? सर, वो दोनों भाग गए रेगिस्तान. बाबा, वो आ गए. बाबा, बात कीजिए. हेलो. तो हसीना,
हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमें कुछ नहीं होगा श्रीला। नहीं कोई बात नहीं। जस्ट फॉलो दैट। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? No, I'm fine. चंद्रू, are you okay? I'm fine. Ah!
Thank you.